Assalamualaikum Alaikum friends, I hope you are all fine today. Our lecture number three, chapter number one, lesson number three. Students, our topic is expeditions. We have discussed uh, the uh, definition of expedition. Now we will study about one expedition in today's lecture. Not all children say to their mother, Phonas from the North Pole mom, but and Daniel's three children said that to her just before she set off on her expeditions. वेमन की टीम में किसी के बच्चे ने उनसे नहीं कहा था कि उनको जाकर नर्थ पोल पर फ़ोन करिएगा लेकिन एन डैनियल के तीनों बच्चों ने कहा जैसे ही वो अपने सफर के लिए रवाना हो रही थी थ्री मंथ्स लेटर इन जून टू थाउजेंड टू शी फॉन्ड हर फैमिलीट फोन टू से आई एम सेयर एट द नॉर्थ पोल जून 2002 में तीन माह के बाद उसने अपने बच्चों को फोन किया बताने के लिए कि वो नॉर्थ पोल पर है फॉर एन एंड हर को ट्रैवलर कैरोलिन हैमिल्टन इट वॉज अ डबल सक्सेस एन और कैरोन के लिए दोहरी कामयाबी थी देर द फर्स्ट ऑल वेमेन टीम टू वॉक टू द नॉर्थ पोल दे वॉक टू द साउथ पोल ये वेमेन की पहली टीम थी जिन्होंने नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल इससे पहले साउथ पोल की तरफ भी सफ़र किया था देअर नॉर्थ पोल एक्सपडिशन वॉज डिफिकल्टॉर्थ पोल की तरफ उनका सफ़र काफ़ी मुश्किल था इट वॉज हार्ड टू पुल देअर हैवी स्लैज उनके लिए बारिश लाई जिसको खींचना बहुत मुश्किल था द आइस वाज नॉट फ्लैट बट पम्पी आइस जो थी वो हमवार नहीं थी बल्कि थी इट वॉज़ वेरी कोल्ड माइनस फिफ्टर फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड इतनी सर्दी थी माइनस फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड तक इट वॉज सो कोल्ड हैट द थर्ड वेमन पोम हैड फ्रॉस्टिट ऑन हर टॉयज इतनी सर्दी थी कि थर्ड वेमैन पोम के पोम की उंगलियों पर फ्रॉस्टिट हो चुकी थी दे फॉन्ट द रिसर्च स्टेशन फॉर हेल्प उन्होंने रिसर्च स्टेशन पर मदद के लिए कॉल की प्लीज़ कुड यू सेंड अ प्लेन फॉर पॉम। क्या आप पॉम के लिए एक जहाज भेज सकते हैं दे आस्क उन्होंने कहा कैन नॉट वॉक एनी फर्दर वो मजीद अब चल नहीं सकती बट एन एंड कैरोलिन वॉकड ऑन आफ्टर अ वॉक ऑफ एटी टू डेज अक्रॉस ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर्स दे रीच देयर बेस इन कैनिडा अगेन एंड होम एन एंड कैरोलीन ने अब्यासी दिनों में अपना यह सफ़र मुकम्मल किया और दोबारा जब अपने मंजर पर पहुंची और उन्होंने मेरे घर पर दोबारा से फ़ोन किया एक्सपीडिशंस में हमने फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन आंसर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन इज हाउ मेनी चिल्ड्रन डस एन के कितने बच्चे थे एन डैनियल हैज़ थ्री चिल्ड्रन हाउ डिड एन रिंग हर फैमिली उसने कहाँ से फ़ोन किया कैसे फ़ोन किया कोई आदमी नहीं था देर फर्स्ट टू दर्थ पोल वेमेन की पहली ही टीम थी जो नर्थ पोल की तरफ रवाना आई थी वाई डिट पोम गेट फ्रॉसिट पोम को फ्रॉसिट कैसे हुई पोम गॉड फ्रॉसफिट ऑन हर टॉयज इट वॉज वेरी कोल्ड माइनस फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से उसके पोम की उंगली में फ्रॉसफिट हो चुकी थी वाई कुरनाट पॉम फिनिश दॉ पोम ने अपना सफ़र मुकम्मल क्यों ना किया पोम कुरनाट फिनिश दॉ बिकॉज ही हैड फ्रॉसफिट ऑन हर टॉयज नेक्स्ट फ्रेंड्स एक्सपीडिशन में हमने कुछ वर्ड्स देखने हैं स्पेट ड्राफ्ट स्लैच एक्सपीडिशन फ्रॉस्पेट डिस हमने देखे इन वर्स को ग्रामेटिकली है क्या स्पेड इज अउन ड्रॉप इज अवर्ज इज अनाउन एक्सपीडिशन इज अनाउन फ्रॉस्पिट इज अउन डिस इज अवर्ब ने देखते हैं बीच मैनेज रिसर्च क्लेव फॉलन ऑशन बीच इज अनाउन मैनेज इज अव रिसर्च इज अनाउन क्लीफ इज अनाउन फॉलन इज अवर्ब ऑशन इज अउन स्ट्रेंड्स टूडे वी हैव स्टडी अबाउट वन एक्सपेडिशन एंड डिस्कस्ड क्वेश्चन आंसर्स आप इन क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से रन करना है और ग्रामेटिकली जो वर्ड्स आपको बताए हैं उनको होम टास्क पर करना है ओके स्ट्रेंड्स थैंक यू स्टे होम एंड कीप लर्निंग